सो गाइस ये देखो हनुमान जी जय। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट पॉइंट ऑफ शिमला। ये देखो गाइस विशाल हनुमान जी की मूर्ति, जय हनुमान जी की। तो गाइस ये एंट्रेंस है यहाँ से मंदिर की। चलो जी आ गए छाते में सारे फैमिली, सब क्या एक छाता और ये चल रहे हैं ऊपर। सो ये अराउंड 35 स्टेप्स हैं। Good morning, our lovely friends. Welcome back to our channel, Hungry Heads. Always hungry for food and travel. So, guys, this is day 2 in Shimla, and today we have planned to go to Jakhu Mandir. So guys, वैसे तो Mall Road से आप walk करके भी जा सकते हो, because हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो हम लोग by car जा रहे हैं, by cab. तो हमारी गाड़ियाँ भी नीचे आ चुकी है, तो हम आपको फटाफट मंदिर में मिलते हैं। इसके तीन तरीके हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, या तो बाय रोड जा सकते हो, वॉकिंग भी जा सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा टीडियस हो जाता है, या केबल कार जाती है। हमारा ओरिजिनल प्लान तो केबल कार से जाने का था। केबल कार पर पर्सन 550 लेती है बोथ वेज, ऊपर लेके जाती है और फिर नीचे आ सकते हैं। बट देन वो वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो एक हफ्ते के लिए केबल कार बंद है। तो अभी हमने यहाँ से टैक्सी अरेंज कराई है होटल से। तो अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं टवेरा जैसी, तो उसका चार्जेस हैं अराउंड 1500 टू वे। और अभी हम 2-7 लोग हैं, तो 2 छोटी गाड़ियों में जा रहे हैं। छोटी गाड़ी का दोनों अब टू वे चार्ज है 800 पर कार। तो 20-25 मिनट्स लगेंगे। आप चलिए हमारे साथ, आज आपको जाखू टेम्पल का विजिट कराते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। We'll see you at the temple. See you guys. Take care. गाइस टाइम हुआ भी सुबह के 10:30 बजे और अब मौसम देख लो, बादल ही बादल आए हुए हैं। हमें तो लग रहा था बारिश है, पर बारिश फोरकास्ट में अराउंड 4-4:30, तो तब देखते हैं क्या बारिश होती है। पर एटलीस्ट हम तब तक जाखू टेम्पल से रिटर्न आ जाएंगे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप पीछे मौसम देखो एक बारी, ये देखो ये रहा हमारा होटल, और हमने जो कैब्स मंगाई हैं वो नीचे हैं, नीचे कैब्स पहुंच चुकी हैं। ये देखो क्या मस्त अमेजिंग रास्ता है हमारे होटल से नीचे उतरने का। और ये रही हमारी मैडम जी। हेलो। सो गाइस ये 2 मिनट्स का वॉकिंग है, हमें नीचे दूसरे होटल के बाहर गाड़ी पार्क हुई हुई है, तो हमको वहाँ तक जाना है कैब के लिए, और फिर हम वहाँ से कैब लेके सीधा जाएंगे टेम्पल। 20-25 मिनट्स लगते हैं इफ यू गो बाय कैब, और लेते हो तो 10-15 मिनट्स। शी मींस केबल कार। तो सॉरी तो उस पे 10-15 मिनट लगते हैं, पर वो जैसे आपको बताया अनफॉर्चुनेटली मेंटेनेंस वर्क के कारण वो बंद है। तो पर ठीक है, एक तरीके से मैं तो चाह रहा था कि हमें यही मिल जाए, कैब से जाएं, क्योंकि चलना थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर मॉल रोड जाना है घूमना फिरना है। तो चलो वीडियो में हमारे साथ बने रहो और आपको लेके चलते हैं जाखू टेम्पल। मौसम अमेजिंग हुआ पड़ा है। ये देखो शिमला का व्यू, ये ऊपर से रोड आ रही है एंड दिस गोज टूवर्ड दी, क्रॉस कर ले सपना, दिस गोज टूवर्ड्स दी मॉल रोड स्ट्रेट। So guys, this is my day 2 look. शर्मा जी बुला रहे हैं। ये होटल मरीना, यहाँ पे हमारी दोनों कैब्स हैं, वेट कर रही हैं। हमारी 2 कैब्स हैं। हेलो भैया जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ का मौसम देखो, ये सड़कें देखो, ये वादियाँ देखो, ग्रीनरी देखो, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट होती है पहाड़ों की, और वो भी जब आप रेनी सीज़न में आ रहे हो, जब बारिशों का टाइम होता है, सबसे ज़्यादा तभी निखर के आती है।
यहाँ तो दिल करता है आओ और यहीं पे रह जाओ बस। कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग ऑल्टीट्यूड ऊपर जाई जा रहे हैं वैसे वैसे और डेंस होता जा रहा है और फॉगी होता जा रहा है। दैट्स बिकॉज जाखू टेम्पल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, सबसे ऊंची जो पीक है वहाँ पे है, तभी देखो इतना डेंस सारा होता जा रहा है, फॉगी फॉगी सा ऐसा। वाह भाई वाह। और देखो अभी इसकी चढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये देखो कितनी स्टीप चढ़ाई है। अभी हम तो गाड़ी में चार लोग हैं ये अपने ड्राइवर भैया को मिला के, पर फिर भी देखो जो फुली लोडेड वो देखो वहाँ से वो गाड़ी आ रही है। अब उतना रास्ता भी नहीं है कि एक टर्निंग पे दो गाड़ियाँ आ जाएं, तो पहले एक को जाने देंगे और तभी दूसरी गाड़ी वहाँ से निकलेंगे। तो या गाइज यही होता है कि यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप खुद ड्राइव ना करके जाएं, जो लोकल ड्राइवर्स हैं यहाँ के, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, दे आर ट्रेंड ड्राइवर्स इन दिस एरियाज, तो आप उन्हीं को साथ में लेके जाएं। चलो जी आ गए छाते में सारे फैमिली, सब क्या देखे छाता और ये चल रहे हैं ऊपर। सो ये अराउंड 35 स्टेप्स हैं टिल वी रीच द टेम्पल। लेट्स गो। I have my phone, my wallet. ये सामने गाइस एंट्री है यहाँ से मंदिर की। जय हनुमान जी की। तो गाइस ये एंट्रेंस है यहाँ से मंदिर की। ये सीढ़ियां हैं यहाँ से, आराम से आप ऊपर चढ़ो। और हनुमान चालीसा लिखी हुई है बीच बीच में, बहुत सुंदर। ये देखो ये देखो हनुमान जी, जय हनुमान भगवान। ये 108 फीट लंबी हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे, और ये शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो गाइज इसके पीछे स्टोरी है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लिया था, यहाँ पे ब्रेक लिया था। उस टाइम पे ये माउंटेन की हाइट जो थी इससे डबल थी, तो वन ही लैंडेड ऑन दिस माउंटेन उसकी एकदम हाइट जो थी वो हाफ हो गई। तो अभी जितनी भी हाइट है दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट पॉइंट ऑफ शिमला, तो अभी हाफ है, तो आप देखो तब कितनी हाइट हो गई इनकी। और ये जो इनकी मूर्ति है ये अभी सन 2010 में बनी थी, और जिसका रिबन कट या क्या कहते हैं सब ना, व्हाट इज़ द वर्ड, अनवीलिंग जो भी है वो करी थी अभिषेक बच्चन ने। ये देखिए अभी हम और जाके मैं दिखाता हूँ, अगर इसका थोड़ा बेटर व्यू आ पाए हनुमान जी का, हनुमान भगवान का, फिर मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ का टॉप पॉइंट, और ये देखो जय हनुमान भगवान। गाइस अगर आप यहाँ पे हंग्री हैं तो यहाँ पे कैंटीन वगैरह है, ब्रेकफास्ट लंच और स्नैक्स यहाँ पे, ये रहा इनका मेन्यू, टी कॉफ़ी सूप कोल्ड ड्रिंक्स पकौड़ा राजमा राइस कड़ी चावल चाउमीन मैगी, खाना पीना है साथ में कैंटीन है, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। राजमा चावल मैगी चाउमीन पकौड़े आलू बैंगन शिमला मिर्च कॉफी के चाय कॉफी है छोले तीन जगह दे दीजिए, एक ही जगह चढ़ा दो, एक फैमिली है ना। हाँ ना नो चेंज आप। हाँ जी हाँ जी मैं देता हूँ, कितना है 80। हाँ मैं देता हूँ, आप चलो। तो गाइस मंदिर के अंदर हुआ है, काफ़ी सुंदर दर्शन हुए भगवान जी के। अब अंदर आपको लेके जा नहीं सकता था, अंदर कैमरा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं आपको आगे का आसपास का दिखाता हूँ इनका कैसे है। ये जो मेन मंदिर है हम यहाँ पे हो गया है, वो जूता घर है। और यहाँ पे सामने इन्होंने छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। ये सुंदर सा पार्क बनाया हुआ है, वेल मेंटेन्ड। और यहीं से नीचे रास्ता जाता है जो टुवर्ड्स रिज मॉल रोड, यहाँ से 250 रुपीस का टिकट है। ये सनसेट की लुक, सनसेट का व्यू देख लो गाइस, सही तो आपको दिखाया नहीं हमने ना।
इनकी बैक सीटिंग है। सो इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, दर्शन आपके हमारे साथ भी अच्छे हुए हों। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, टिल देन स्टे हंग्री स्टे सेफ, बाय बाय।